बिहार विधानसभा चुनाव में माओवाद के बाद अब जिन्नावाद की भी एंट्री हो चुकी है, जिसका पूरा क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस पार्टी ने जाले सीट से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है, जिसके विवादों का दौर शुरू हो गया। अहमद उस्मानी को टिकट मिलने पर क्यों विवाद खड़ा हो गया, देखिए इस हमारी रिपोर्ट में। बिहार में माओवाद के बाद जिन्नावाद की एंट्री से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, क्योंकि इस बार चुनाव में कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से डॉक्टर मशकूर उस्मानी को टिकट दिया है। मशकूर उस्मानी वही शख्स है जो एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर उठे विवाद से चर्चा में आया था। उस्मानी पर 2019 में कथित तौर पर कथित देश विरोधी नारा लगाने के लिए राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था और उसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का ये कदम राजनीतिक विवाद और चर्चा का कारण बन गया है। कांग्रेस ने उस्मानी को जाले विधानसभा सीट से टिकट देने के लिए पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के बेटे ऋषि मिश्रा का टिकट काटा गया, जो हाल ही में जनता दल यूनाइटेड छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। टिकट न मिलने की बात से नाराज ऋषि मिश्रा ने उस्मानी को जिन्ना का समर्थक बताया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती अगर ये टिकट उस्मानी की जगह किसी और को मिल गया होता। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा की आलोचना करते हुए ऋषि मिश्रा ने कहा, झा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बात पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर उस्मानी को टिकट दिया। कांग्रेस गांधी की विचारधारा को मानने वाला राजनीतिक दल था, जो अब जिन्ना को मानने वाला दल बन गया है। गांधी के देश में जिन्ना की तस्वीर किसी भी सूरत में नहीं लग सकती है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस फैसले की जमकर आलोचना की। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी उस्मानी को टिकट देने के फैसले पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन से पूछा कि उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि जाले विधानसभा सीट से उनका उम्मीदवार जिन्ना का समर्थन करता है या नहीं। बीजेपी ने नहीं, बाकी पार्टियों ने भी कांग्रेस के जिन्नावाद पर जमकर सवाल उठाए। आरोप प्रत्यारोप के बाद अहमद उस्मानी ने सफाई दी और कहा कि मेरी उम्मीदवारी ने मेरा विरोध करने वालों को नैतिक रूप से हरा दिया है। आपको बता दें कि मशकूर अहमद उस्मानी ने साल 2016 में छात्र राजनीति में कदम रखा था और साल 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाए जाने के समर्थन में प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, साल 2018 के दौरान उन्होंने इस मामले में दखल देने के लिए राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा उस्मानी ने CAA और NRC का भी जमकर विरोध किया था। कांग्रेस के डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिए जाने के बाद राजनीति तेज हो गई है, जहां एक ओर कांग्रेस के जिन्नावाद को बढ़ावा देने पर बीजेपी और JDU सवाल उठा रही हैं, वहीं कांग्रेस बीजेपी और JDU को खुद की पार्टी पर ध्यान देने की नसीहत दे रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।